हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने MS वर्ड में 3D लोगो कैसे डिजाइन करें। तो इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं 3D लोगो के बारे में, 3D लोगो कैसे डिजाइन करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने MS पावर पॉइंट चलते हैं। तो MS पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने अपना MS पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। ये हो गया ओपन। यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज ले लिया, ये मैंने ब्लैंक पेज ले लिया हुआ है। ओके, ये मेरा ब्लैंक पेज आ गया है और इसके मुझे ये बॉक्स हटाना है, टेक्स्ट बॉक्स हटाना है। ठीक, हटा दिया, टेक्स्ट बॉक्स हट गया है। इसके बाद आपको एक सर्कल लेना है, तो सर्कल के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट जाने का आप सेप पे जाएंगे, सेप पे देखिए आपको सर्कल दे रहा है, इसको क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। ऐसे करेंगे, ये शिफ्ट को कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये थोड़ा सर्कल आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है सर्कल, और बड़ा चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं। ये बन गया। इसके बाद अब ये जो देखिए पॉइंट बना हुआ है पीला पीला कलर का, इस पर आप क्लिक करके थोड़ा इसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। ठीक, ये मैंने कुछ इस तरह से कर लिया एडजस्ट। ओके, ये हो गया। अब मुझे इसमें डालना है टेक्स्ट, डालना है टेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, डिज़ाइन क्या कहते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट बनाए जाने बाद वर्ड आर्ट पर जाएंगे। यहाँ पे दिए हैं बहुत सारे टाइप, तो भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने 3D लोगो के लिए लिखने के लिए ले लिया है, इसको मैं डाल दूँगा। जैसे मुझे जो डालना है लोगों का नाम, वैसे मैं डाल लिया है मोहित कार्ड्स एंड ग्राफिक, मोहित कार्ड्स एंड ग्राफिक्स, ये मैं टाइप डाल लिया है। इसमें से आप कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो। टेक्स्ट कलर ये यहाँ से मिलेगा आपको, ये इफेक्ट हो गया है, तो फिल टेक्स्ट कलर इस तरह से है। यही तो आप यहाँ से होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से कलर आ गया है। इसे और थोड़ा स्टाइलिश करना है तो फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉर्मेट जाने इफेक्ट डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट डालना हो आपको, इस टाइप का जो भी इफेक्ट डालना हो वो डाल सकते हैं आप। ये कुछ इस तरह से अभी तो फिलहाल के जो होता है इसको ले जाएंगे। इसके बाद इसको मैं ऊपर लेता हूँ। ओके, ये मैंने इसको ऊपर ले लिया है। ऊपर लेने के बाद इसके बाद इसको हम थोड़ा रोटेट कर, मतलब 3D टाइप का करेंगे। इसके लिए आप टेक्स्ट इफेक्ट पर जाएंगे और ट्रांसफॉर्मर पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद आप ये इसको कर लेंगे, यहाँ से आप जो भी ये इस तरह को दिखेगा। अब ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऊपर से विथ और हाइट को सेट कर लेंगे। तो यहाँ मुझे करना है 4.7 कर लेते हैं, बाकी सब डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 3.9 कर देंगे। ओके, ये मैंने हो गया है, जूम थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये देख कुछ इस तरह से है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से मैंने सेट कर लिया हुआ है। इसी तरह थोड़ा और सेट कर लेते हैं, इन सब जाके टेक्स्ट वर्ड लेंगे और यहाँ से मैं कर लेता हूँ जैसे वर्ड डालना है, जैसे कल्याण को डालने का जो भी डाटा है आपका लोगों का वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये डाल दिया है, ये मेरा एड्रेस हो गया। ठीक, ये मैंने एड्रेस लिख लिया, टाइप कर लिया है। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर पर जाएंगे। इसको मैंने ऊपर किया था, इसको आपके नीचे के ऊपर कर देंगे, तो ये नीचे हो गया है।
इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया हुआ है। अब जैसे कि मुझे लगाना, जैसे यहाँ स्टार लगाना है, यहाँ स्टार लगा लेते हैं, इंसर्ट जाके सेव जाके स्टार लगा लेते हैं। देखिए आपके जो भी यहाँ पे स्टार हो, जैसे आप चाहे स्टार लगा सकते हैं। इससे मैंने को स्टार को सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, स्टार लगा दिया, ये मेरा स्टार लग गया। यहाँ जो भी कलर डालना चाहे कलर दे सकते हैं, आप जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे ये हो गया येलो हो गया, जो उसे भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। इस पर वैसे मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक, ये वाइट कर दिया कलर, इसको कंट्रोल कर कॉपी कर लिया मैंने दूसरी साइड में, ये मेरा कॉपी हो गया है। अब बीच जैसे आप कुछ भी लगाना हो, कोई आइकन लगाना लगा सकते हैं यहाँ, यहाँ पे जो भी आपको आइकन लगाना हो। तो जैसे कि देख लीजिए, मुझे सेब जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे सेब लगा देते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए ये स्टार लगाना है, ये सन लगा दी मैंने, इसको सन को लगा दिया। ठीक, ये इस तरह मैंने सन को लगा दिया। ठीक, ये मैंने सन लगा दिया, ये एडजस्ट कर लेंगे आप, ये लगी सेंटर हो गया है सन। ओके, ये लगा लिया है। अब चलिए इसमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो पहले अपने सर्कल में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सर्कल पे क्लिक मैंने किया, कलर सेव फिल पे गए और टेक्सचर पे गए। टेक्सचर पे आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे वो लगा सकते हैं आप। मैंने इसे ये लगा दिया, इस पर क्लिक करिए। ओके, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं सन पे लगाना है, सन पे भी लगा लेंगे इसको। आप अपने आप जैसे चाहे वो, जैसे छोटा छोटा जैसे चाहे वो कर सकते हैं आप, अपने यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरा हो गया एडजस्ट। ठीक, ये कुछ इस तरह से जो इसको भी वही शेप देते हैं आपको, जो शेप पसंद हो। मैंने टेक्स्ट भी गया, ये शेप दे दिया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से शेप हो गया है। और बाकी इसमें जो भी आउटलाइन वगैरह देना है आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन बढ़ा देंगे, 3 कर लेंगे, 3.3 पे कर लेंगे। सर्कल का भी बढ़ा लेंगे, इसका भी आउटलाइन को बढ़ा लेंगे हम, 3 कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा अब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है हुआ है। ओके, इसके बाद अगर आप इसमें चाहें तो 3D लुक दे सकते हैं। जैसे कि आप सर्कल है, सर्कल पे गए, यहाँ 3D रोटेट पे गए, आप उसमें जैसे जो पसंद है आप वो लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए, इस टाइम में चाहिए, तो इस टाइम में ये हो गया है। ओके, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा इस टाइम में आ गया हुआ है। और ये इस टाइम में भी कर सकते, इसको भी कर देंगे उसी सेब में, ये सेब हमने इसको किया हुआ है। ये देखिए तो कुछ इस तरह से हो गया है। थोड़ा आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेंगे, तो मैं टेक्स्ट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है, जैसे आप इस पर कहीं भी क्लिक करेंगे उसका ये देख सिलेक्शन पैनल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सिलेक्शन वाले आ गए हैं। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल को होल्ड प्लस कर कंट्रोल दबाते हैं, उसके बाद माउस से क्लिक कर करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे, तो ये पूरा एक पैनल हो गया, पूरा ये एक हो गया लेयर। ठीक, एक लेयर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। ओके, फॉर्मेट जाने में आप देखिए थोड़ा इस तरह से दिखाएगा आपको कुछ, तो इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ देखिए 3D रोटेशन आया है, तो आप लोग 3D रोटेट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाके आप जैसे चाहें वैसा रोटेट कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए, इसको मैंने यूँ कर लिया, इस तरह से रोटेट कर लिया। ओके, इसको रोटेट कर लिया मैंने। इसके बाद आपको जाना है 3D फॉर्मेटिंग करना है। 3D फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, टॉप को सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप मुझे कैसे चाहिए टॉप, जैसे आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे इस सिम में चाहिए हार्ड एकदम, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, जैसा आपको पसंद हो आप उस टाइम में दे सकते हैं, मतलब कि फॉर्मेट में 3D को लुक दे, ये आपको 3D लुक देने के लिए है। जैसे कि आप चाहते हैं इस तरह से लुक दें तो इस तरह से लुक आ जाएगा, जैसे आप चाहें उस तरह से आप 3D लुक को दे सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से है, आप जैसा लुक देना चाहें वैसा लुक दे देंगे। मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया हुआ है।
इसके बाद आप इसको बॉटम को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको बॉटम को उसी तरह सेलेक्ट करें इससे पहले आपने सेलेक्ट किया हुआ था, ये बॉटम आपका हो गया है सिलेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा 3D लुक आगे देखने में अच्छा लग रहा है आपका। ओके, यहाँ से कलर चाहें आप तो जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। इसकी जो तो है ना उससे इसको रहने देते हैं, जैसा आप कलर देना चाहें वैसे आप कलर दे सकते हैं अपने हिसाब से उसको। तो इसको हम 0 कर देते हैं वापस। इसके बाद मिरर वाला है, मिरर वाला कैसा चाहिए आपको, वैसा चाहिए डार्क चाहिए जैसे इफेक्ट चाहिए आप वो दे सकते हैं। तो मिरर वाले में देंगे थोड़ा मतलब कि शाइनिंग आ जाएगी, थोड़ा देखने में अच्छा लगे आपका इफेक्ट लगे अच्छा देखने में। तो जैसा आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से उसको लुक दे सकते हैं 3D लुक। तो मैंने ये दे दिया 3D लुक। इसके बाद आपको लाइटिंग का देना, लाइटिंग में जैसे चाहे आप इफेक्ट लाइटिंग का इफेक्ट दे सकते हैं, नॉर्मल है नॉर्मल है तो आप जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। वैसे ये दे दिया थोड़ा ये इफेक्ट आ गया है, और भी जैसे चाहे आप दे सकते हैं इफेक्ट को, ब्लू कलर में आ जाएगा इस लुक में आ जाएगा थोड़ा, जैसे आप जैसे हम जिससे आप जाएँ आप उस तरह इसको लुक दे सकते हैं, थोड़ा लाइटिंग आ जाएगी इससे। ओके, बस ये थोड़ा लाइटिंग के लिए है कि ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो नॉर्मल रख दीजिए आप जैसा अच्छा लगे आपको। नॉर्मल रखने के बाद आपको उसमें 3D इस तरफ भी देगा, यहाँ भी आपको वही सेम है जो वहाँ पे दिया था। ओके, ये आपका कुछ इस तरह से हो गया हुआ है, ये आपका कुछ 3D लुक हो गया इस तरह से। अब इसमें थोड़ी बहुत कुछ फॉर्मेटिंग जैसे करनी है तो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि इंसर्ट पे जाके शेप दे देंगे थोड़ा सा, मतलब सही सर्कल में शेप दे देंगे। इसको मैंने ले लिया है और इसको मैंने ड्रैग कर लिया इस तरह से कुछ कर लिया, ठीक ये कुछ इस तरह से कर लिया है। इसको आप एडजस्ट कर लें थोड़ा सा आपके उसके हिसाब से, ये एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत। ओके, जैसे ये हो गया है ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ये हो गया इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया। ओके, इसके बाद आपको जाना है पैनल पे, जाना है सिलेक्शन। तो ये देखिए आपका टॉप ऊपर आ रहा हुआ है, तो इसकी भी आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, फॉर्मेटिंग कलर डालना है। वाइट क्लिक करके आप फॉर्मेट शेप पे जाएंगे, फॉर्मेट शेप पे जाना है आपको, यहाँ जाना है कलर पे, कलर पे इसके आपको जाना है ग्रेडियंट फिल पे जाना है। इसको आप जो कलर देना चाहे दे सकते हैं, इसको हम ये दे देते हैं, यहाँ से ये डायल कर लेते हैं। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो है इसको वाइट कर लेते हैं कलर को, और ये सेंटर है, सेंटर को मैं डार्क ब्लू कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ये मैंने डार्क ब्लू कर लिया है। ओके, इसकी जो नहीं है तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये यहाँ से हटा दिया है, इसको मैं सेंटर कर दिया, और ये लास्ट वाले को मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया, जैसे आप कलर जो भी कलर देना चाहे रेड ब्लैक जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ओके, ये मैंने कलर दे दिया है, यहाँ से इसको मैं थोड़ा राउंड में कर देता हूँ तो अच्छा लगे देखने में भी। और इसके बाद आप इसको यहाँ से आप ये जो देखिए आपको ऊपर पैनल दे रहा है 10 ओवर वाला, ये सबसे ऊपर फर्स्ट में आ रहा है, तो इसको आप करने के लिए आपको सबसे नीचे लाने के लिए सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से आ गया है। ओके, आप इसको कट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका 3D लोगो बन के तैयार हो गया है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से 3D लोगो बन गया है, ये आपका 3D लोगो है। और अगर अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी